लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा पहला बार प्रणाम है उस क्रांति को, उस क्रांति को जो मर चुका है। और मेरा पहला बार आशीर्वाद है उस क्रांति को जो अब मर चुका है। मर चुका है वो क्रांति जो कभी तूफानों को अपनी मुट्ठियों में कैद करके रखा करता था। मर चुका है वो। ठीक कहते हो, मर चुका है वो। मर चुका है वो क्रांति जिसकी जिंदगी के लिए समंदर की लहरों में दुआएं भर भर के भेजा करता था। मैं मानता हमें कि अगर हम मिट भी गए तो कोई तो है जो क्रांति का झंडा लेकर आगे बढ़ता रहेगा। मगर धिक्कार जिसने हमारी उम्मीदों को जिंदा किया वो बदबख्त खुद ही मर गया है वो जिसकी पूजा मैं भगवान से पहले किया करता था। मर चुका है वो जो कभी धरती माँ की रक्षा किया करता था। खबरदार, जो अपनी गंदी जबान पर धरती माँ का नाम भी लाए। अगर तुम्हारे लिए धरती आज भी पावन है, पवित्र है, तो फिर धरती पर जुल्म किस लिए? हर जुल्म की सजा मिलेगी। मिलेगी। तुमने बेगुनाह किसानों पर जुल्म तोड़े हैं, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। झूठ! तुमने मासूम लड़कियों को अपनी वासना का शिकार बनाया, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। खामोश! मुलाकात का हमें एक अरसे से इंतजार था। ले जाओ इन्हें। यह क्रांति है या नहीं, मगर हमारे लिए यह क्रांति से भी बड़ा मुजरिम है। हमारा पुराना मुजरिम सांगा। महाराज, ये वही सांगा है जिसने आपके भाई साहब महाराज लक्ष्मण सिंह जी का कत्ल किया। ये वही सांगा है जिसने हमारा हाथ काटा। मौका नहीं मिला, वरना गर्दन काट देता।
खातून और हमारी? नहीं नहीं नहीं। देखा देखा शंभू के बाएं हाथ का कमाल है? अब तो ये लोहे का है। तुम्हारा क्रांति से क्या ताल्लुक है? वही जो एक सिपाही का इनकलाब से होता है। तो तुम गद्दार हो? हाँ, मैं गद्दार हूं। तो तुम अपने जुर्म मानते हो? मानता हूं, मैं मुजरिम हूं। लेकिन आपका मुजरिम नहीं, मुजरिम हूं मैं अपनी मातृभूमि का, इस देश की सरजमीन का मुजरिम हूं, जिसका जर्रा जर्रा मेरे जमीर को ललकारता है, कहता है धिक्कार है तुम पर सांगा, धिक्कार है तुम अब तक विदेशी भेड़ियों को इस देश से बाहर नहीं निकाल सके, अब तक अपने महाराज की मौत का बदला नहीं ले सके, उन बच्चों की मौत का बदला नहीं ले सके जिन्होंने अपनी माओ की कोख में ही दम तोड़ दिया था। कौन से बच्चे, कौन से माँ, किसकी बात कर रहे हो तुम? अवध की बेगमात से लेकर गरीब किसानों की बहु बेटियां, पर्दों में रहने वाले शरीफ जादियों की बात करता हूं, जिनको फिरंगी दरिंदे खींच कर बाजारों के चौराहों पर लाए, उनको बेआबरू किया और अपनी हविस का शिकार बनाया। इन लोगों ने हमारे मंदिरों की बलि ली, हमारी मस्जिदों को शहीद किया, और ये घोर पाप सिर्फ हमारी कौम, हमारी सभ्यता को कुचलने के लिए, इस देश पर हुकूमत करने के लिए। ये काला आदमी सफेद झूठ बोलता है, और ये सफेद लोग काले कारनामे करते हैं। मर्द तो मर्द, अंग्रेज औरतों ने हमारी बहु बेटियों की मुर्दा लाशों पर जेवर तो क्या मंगल सूत्र तक नहीं छोड़े, हमारी कमसिन बच्चियों के कानों से इन लोगों ने बालियां नोची है, जिन हाथों से चूड़ियां नहीं निकाल सके उनकी कलाइयां कटवा दी है इन्होंने। सांगा, उनकी तो सिर्फ कलाइयां कटी थी, लेकिन आज हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। एक क्रांति मरेगा शंभु तो हजार क्रांति पैदा होंगे। तुम्हें और कुछ कहना है? इनके हेस्टिंग्स से हमारे मुल्क का इंकलाब उसके जुर्म का गिन गिन के बदला लेगा। हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स कहो। लॉर्ड होगा वो तुम्हारे लिए, इंसानियत की अदालत में वो हमेशा मक्कार ठहराया जाएगा। ये हमारे सामने शरीफों की इज्जत उछाल रहा है। सिपाहियों, इसे अभी इसी वक्त मार डालो। नहीं सर थॉमस, नहीं, ऐसे भयानक मुजरम को इतनी आसानी से नहीं, बल्कि तड़पा तड़पा कर मारा जाएगा, ताकि आइंदा कोई गद्दार न बन सके, कोई क्रांति न बन सके। ले जाओ इसे। सुनो, अगर तुम दोनों एक हो तो आप उसमें लड़े क्यों? लड़ाई कराने वाला खुद लड़ाई की वजह पूछे तो उसका क्या जवाब होगा? सिर्फ इतना कि याद रखें कि जुल्म और झूठ की डाली पर एक बार फल लगता है, दोबारा नहीं। हमें एक की तलाश थी और दो मिल गए। एक ही ने नाक में दम कर रखा था, दो तो जान ले लेंगे। क्या कहा? जान। तुम हमें अपने साथियों का पता बता दो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। ये देखो इसकी चमक। तुम सिर्फ अपने साथियों का पता बता दो, ये सब तुम्हारा हो जाएगा। भगवान बेचकर इंसान खरीदना चाहते हो? बोलो, सौदा मंजूर है?
जल्दी जाओ। यूं लटके लटके थक जाओगे तो तुम दोनों में से एक झुक जाएगा इस तरह। जिसे नींद आएगी वो खुद तो मरेगा ही, साथ में दूसरे को भी ले मरेगा। एक को नींद आ गई और वो सो गया। आप दोनों मर जाएंगे। मुन्ना, आपने पुकारा, माफ करना, धोखा दे चला था तुम्हें। वर्षों के बाद न जाने बेटे की याद कैसे आ गई। लगा जैसे मेरे साथ साथ है वो, मैं आहिस्ता आहिस्ता उसे सुला रहा हूं। में नींद आ गई। कहाँ है आपका बेटा? क्रांति के पथ पर है। और वो नौजवान जिसके इरादों में क्रांति है वो मेरा बेटा है। और मैं तुम छोटे सरदार हो। दरोगा, बात करने के जुर्म की इन्हें सजा दी जाए। मरो हंटर। हमें हमला आज ही रात करना पड़ेगा, हमारा सरदार अंदर ही बंद है। सरदार? अगर तुम्हारा सरदार अंदर है तो हमारा सरदार भी इसी कैदखाने में है, लेकिन दुश्मन इतना ताकतवर और होशियार है कि उन्हें छुड़ाना लोहे के चने चबाना है। तो ये फिर सब कैसे होगा? उन्हें छुड़ाने के लिए दुश्मनों को शायद चने खिलाने पड़े। चने? चनों से क्या होगा? वो चना जिनमें नशा मिला होगा इन सालों के होश उड़ा देगा। कौन हो तुम? अरे हुजूर, चने वाला। और तुम? चने वाली। वारी मेरी चने वाली। नाम है सुरीली सुरीली। सुरीली? वारी मेरी चने वाली। हम गाते हैं, हम बजाते हैं, लोगों को चना खिलाते हैं। अरे क्योंकि हमारा चना सिर्फ चना ही नहीं, हमारा चना दिल है, दिलदार है, यारों का यार है। हाजिर हाजिर मेरी सरकार है। चने वाली, तुम्हारा चना तो दारोगा के दिल में अंग्रेजी गोली की तरह घुस गया। हुजूर, अगर हुक्म हो तो ये चना पेश करने से पहले इस चने के बाकी गुण पेश करूं। इजाजत है। Thank you.
राजकुमारी जी, आप इसे जानती हैं? सिपाहियों, चलो मेरे साथ। राजकुमारी जी, आपके लिए एक बुरी खबर है। क्या? आपके पिताजी महाराज गंगाधर जी ने बेवकूफी की और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। फिर? बस, आपकी रियासत के वजीर को राजा बना दिया गया और अफसोस से कहना पड़ता है आपके पिताजी को मार दिया गया। कौन कहता है कि मेरा बाप मर गया है? मैं पूछती हूँ, कौन कहता है कि मेरा बाप मर गया है? मेरा बाप अमर है। मेरा बाप अमर है। मेरा बाप राजकुमार जी उठिए राजकुमार जी, हाथ मत लगाओ मुझे। संभलिए राजकुमारी जी, राजकुमारी इस तरह रोया नहीं करती। ठीक कहा आपने, राजकुमारियां इस तरह से रोया नहीं करती। क्रांति जिंदा।